स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही जरूरी बात बताने वाली हूँ फर्टिलिटी से रिलेटेड। आपको किसी भी तरह की फर्टिलिटी इश्यू है, चाहे आपके पीरियड बिल्कुल समय से नहीं आते हैं, ठीक तरह से नहीं आते हैं, इरेगुलर हैं, बहुत कम फ्लो है, आपके एग रप्चर नहीं हो रहे, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको ट्यूब्स ब्लॉक हैं, फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के ऊपर मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं जानकारी के लिए। ओव्यूलेशन समय से नहीं हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, यूट्रस टिल्टेड है या स्वेलिंग है, किसी भी तरह की जो फर्टिलिटी इश्यू है, कोई अनडिफाइंड रीजन है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आपको फर्टिलिटी मसाज जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। क्यों? जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हम मसाज करते हैं। क्यों? ताकि वहां सर्कुलेशन अच्छा हो और जहां पे भी ब्लॉकेज है, जहां पे भी सर्कुलेशन धीमा पड़ गया है, वो हील हो जाए। तो इसी तरह से फर्टिलिटी मसाज करने से हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, बच्चेदानी है, अंडाशय है और ट्यूब्स हैं, इनकी भी हीलिंग होती है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि आज फर्टिलिटी मसाज को कब करना है, आपको महीने के किन दिनों में फर्टिलिटी मसाज करना है, 300 दिन नहीं करना है आपको फर्टिलिटी मसाज, सही समय क्या है करने का, उचित समय क्या है जिस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके लाभ क्या है। कुछ बातें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये सारी प्रॉब्लम है तो आपको करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि फर्टिलिटी मसाज आपको महीने के किन दिनों में करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपका जो पीरियड स्टार्ट होता है वो पहला दिन होता है आपकी मासिक साइकिल का। तो पीरियड जब आपका पूरा हो जाता है, चाहे वो तीन दिन का होता है, चाहे वो 5 दिन का होता है, चाहे वो 7 दिन का होता है, जब पीरियड पूरी तरह से बंद हो जाए तब आपको फर्टिलिटी मसाज स्टार्ट करनी है। और ओव्यूलेशन के टाइम तक आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है। जब आपको लगता है कि हाँ ओव्यूलेशन हो गया है, अब आपको सवाल हो सकता है अगर आप नए हैं तो कि ओव्यूलेशन कब होता है, क्या होता है और कैसे जान सकते हैं, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएं, आपको ओव्यूलेशन से रिलेटेड कई वीडियोस मिलेंगी जो आपको ओव्यूलेशन को समझने में बहुत ही मदद करेंगे और आप पूरी तरह से ओव्यूलेशन को जान जाइएगा खुद से, चाहे किट की मदद से, चाहे सर डायग्नोज करके। तो फ्रेंड्स, पीरियड के खत्म होने से लेके ओव्यूलेशन के समय तक हमको फर्टिलिटी मसाज करना है, बाकी समय हमको फर्टिलिटी मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात कि हमको फर्टिलिटी मसाज किस ऑयल से करना है, क्योंकि रूखे से तो नहीं किया जा सकता, हम उसमें खास तौर पे कैस्टर ऑयल का यूज करते हैं। हालांकि कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है तो हम मसाज करने से पहले ऑयल को गुनगुना कर लेते हैं। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल से भी कर सकते हैं, तिल के तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन एंश्योर करें कि वो प्योर हो। अगर प्योर ना हो तो आप इन तीनों में से जो ऑयल प्योर मिलता है आपको वो करें, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज में हमको गर्भ तेल चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है या फिर तिल का तेल है। अब आपको लगेगा कि सरसों तेल से भी कर सकते हैं, तो देखिए अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोशिश करें अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सरसों तेल को गुनगुना करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन इफेक्ट गर्म कैस्टर ऑयल में अच्छा आएगा, ऐसा आप ट्राई करें। अब आती है बात प्रोसेस की कि हमको फर्टिलिटी मसाज कैसे करनी है, तो ये मैं आपको वीडियो में डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब सहेली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हमेशा हर वीडियो में मैं आपको एक प्रोटिप देती हूं जो कि हेल्थ से जुड़ी होती है और आपको जल्दी कंसीव करने में, आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए देखते हैं कि किस तरह से हमको फर्टिलिटी मसाज करनी है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हम अपनी नेवल को देखेंगे। ये है आपकी नेवल। नेवल से 4 उंगली इस तरह से नीचे, ये नेवल है, इससे 4 उंगली नीचे जस्ट बिलो, ये हमारी पोजीशन है गर्भाशय की, बच्चेदानी की, यूट्रस की। इसके बाद ये पोजीशन होती है फेलोपियन ट्यूब की और यहां पे ये है हमारी ओवरीज। ओके, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि पोजीशन क्या है। नेवल के नीचे यहां यूट्रस, ये ट्यूब्स की पोजीशन, और थोड़ा नीचे यहां ओवरीज होती हैं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में। अब
मसाज करने के लिए आपको फ्लैट सरफेस पे लेटना है। मैं आपको केवल डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूं, इसलिए आप स्टेप समझे। यहां से करने के लिए आपको फ्लैट सरफेस पे लेटना है, अपने घुटनों के नीचे जहां कर्व आता है कंफर्टेबल होने के लिए आप पिलो लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल गाढ़ा होता है, इसलिए आप उसको थोड़ा गुनगुना कर लें। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपकी स्किन जल जाए, हल्का गुनगुना की टॉलरेबल हो। आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ आते होती हैं, हमको वहां पे जोर से मसाज नहीं करनी है, आते डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो हमको केवल अपने यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और बच्चेदानी पे फोकस करना है। ओके, सो गेट रेडी। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की ओर, बच्चेदानी जो है, हमारी यूट्रस जो है, वहां पे नीचे से ऊपर तक बढ़िया से जोर लगा के, मैं खड़ी हूं, मैं प्रेशर नहीं लगा रही हूं, मैं केवल आपको समझा रही हूं। आप जब लेटेंगे तो हाथ में जब आप कैस्टर ऑयल लगाएंगे, फिंगर टिप्स से अच्छे से मसाज करनी है आपको, तो इस तरह से आपको ऊपर की तरफ यूट्रस को लेना है। इससे आपके यूट्रस में जो टिल्ट है, जो स्कार है, एंडोमेट्रियसिस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे यूट्रस की जो एनोमलीज हैं, डिसऑर्डर है, सर्कुलेशन में स्टेग्नेशन है, वो सब कुछ दूर होगा। तो आपको इस तरीके से 20 से 25 बार आपको यूट्रस को ऐसे करना है। उसके बाद यहां से आपको ट्यूब्स की तरफ इस तरह से मसाज करना है, इस तरह से। ये भी आपको 20 से 25 बार करना है, हल्का प्रेशर को यूज करते हुए। उसके बाद यहां ओवेरीज होती हैं, तो आप अगर दोनों एक साथ कर सकते हैं तो दोनों एक साथ करें, अदरवाइज एक बार में एक ओवेरी की तरफ करें। और बढ़िया होगा कि दोनों हाथों में ऑयल लेके ओवेरीज के पास में बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स से प्रेशर देते हुए इस तरह से मसाज करें। ये सारे स्टेप्स 20 से 25 बार आपको करने हैं। उसके बाद आप एक गर्म टॉवल, जो गुनगुने या गर्म पानी में भिगो के मोटा पुराना टॉवल ले सकते हैं, और लेटे हुए उसी पोजीशन में अपने पेट पे या लोअर एब्डोमेन पे रख के आप थोड़े देर 10 मिनट के लिए लेटे रहें। तो फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर देती हूं। सबसे पहले आपको यूट्रस पे मसाज करनी है इस तरह से, उसके बाद आपको ट्यूब्स पे मसाज करनी है इस तरह से, उसके बाद बच्चेदानी पे बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए फिंगर टिप्स को इस तरह से मसाज करनी है। इसको पूरा करने में आपको 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। 10 से 12 मिनट के बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगोया हुआ, जिस टॉवल में हल्की स्टीम हो, स्टीम होने से जो कैस्टर ऑयल आपने अप्लाई किया है अपने ऑर्गन्स पे, वो अंदर तक टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस तरह से आप घर पे खुद से ही, बिना किसी की मदद के, आप खुद से अपने कंफर्ट में, अपने कंफर्ट जोन में आराम से अपना फर्टिलिटी मसाज कर सकती हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। हालांकि मैंने एक वीक ही इसको किया था, और एक वीक में ही मुझे बहुत अच्छा आराम मिला था, और मेरे पीसीओडी में को ठीक करने में मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिली थी। तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मंथली साइकिल में बताए दिनों में इसको ट्राई जरूर करें, आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हाँ, फर्टिलिटी मसाज करने के बाद जो टिप मैंने बताई है आपको, कि आप थोड़े देर तक एक गर्म पानी में भिगोया हुआ टॉवल, गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के, और आप अपने पेट पे थोड़ी देर उसको ढक दें अपने पेट को, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। इससे उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब होगा और इफेक्टिव होगा, और सर्कुलेशन जो तेज हुई है उसको और अच्छा बूस्ट मिलेगा। आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस है, ओवरीज है, ट्यूब्स हैं, उनको और अच्छा हीलिंग फील होगा। तो ऐसा आप जरूर करें, डेफिनेटली आपको करने के बाद भी बहुत अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा। देखिए, अब इसके हम लाभ को जानेंगे। इसके लाभ इतने हैं कि मैं एक अलग से वीडियो बना दूं, वो भी कम पड़ जाएगा। अगर पीरियड ठीक नहीं है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है आपको, पीरियड से पहले बहुत सारे प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स आते हैं आपको, उनमें भी आराम मिलेगा, और पीरियड धीरे धीरे ठीक होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है, जैसे कि भले फेलोपियन ट्यूब ओपन हो लेकिन उतनी हेल्दी ना हो, तो वो धीरे धीरे हेल्दी हो जाएगी। उसमें पानी भरा हो तो भी वो ठीक हो जाएगी, उसमें हल्की फुल्की स्वेलिंग हो तो भी ठीक हो जाएगा। अगर ब्लॉक है तो थोड़े टाइम आप इसको लगातार करें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो फिर हमको अपने उपाय को भी तो बहुत इंटेंस तरीके से करना चाहिए ना। तो अगर आप ये बराबर ट्राई करें, बराबर करते रहे अपने हर मासिक चक्र में, तो आपकी ट्यूब्स हेल्दी हो जाएंगी। उसके बाद बात आती है ओवेरीज की। पीसीओडी की प्रॉब्लम है,
ओवरीज बिल्कुल डल हो गई हैं, अच्छे से एग रिलीज नहीं हो रहा, हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, तो पीसीओडी में भी बहुत आपको आराम मिलेगा। मैंने इसका प्रयोग पीसीओडी के दौरान ही किया था और इसके मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे। तो पीसीओडी में भी आपको आराम मिलेगा, पीरियड समय से आने लग जाएगा, खुल के आने लग जाएगा। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है आपको बच्चेदानी में जो पीरियड आता है खुल के नहीं आता है, बहुत थिन बनती है आपकी लाइनिंग बहुत थिन है, तो इससे सर्कुलेशन बढ़ेगा यूट्रस में और धीरे धीरे वो चीजें ठीक होने लगेंगी। कहीं स्कार है, कहीं टिश्यू जमा है, वो भी रिमूव हो जाएंगे पीरियड के दौरान। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बार बार मिसकैरेज हुए हैं तो आपको फर्टिलिटी मसाज करने से आगे मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस धीरे धीरे, ओवरीज, यूट्रस ट्यूब्स धीरे धीरे अपनी हेल्थ को गेन करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ आता है उनमें, और उसके बाद वो एक अच्छी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और साथ ही मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जवाब दूं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सभी सवालों को अटेंड करूं, हालांकि हजारों हजार सवाल होते हैं डेली, तो कभी मिस भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको आपसे थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए। हालांकि मेरा एक तरीका है आपसे कम्युनिकेट करने का, ये वीडियोस, जो ये वीडियोस मैं बनाती हूँ इन्हीं माध्यम से मैं आपसे कम्युनिकेट करती हूँ। आपके जो भी सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के सवाल होते हैं, तब मैं उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाती हूँ, ताकि एक वीडियो में आपके सभी सवालों का मैं जवाब दे सकूं। तो अगर आप चाहें कि एक ही कमेंट में आपको आपकी प्रेगनेंसी की सारी टिप्स मैं दे दूं और आपको आराम से कंसीव हो जाए, तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। आपको टिप्स देने के लिए ही वीडियो बनाए जाते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को देखिए, उनको ट्राई कीजिए। अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं फर्टिलिटी रिलेटेड, जैसे कि ओव्यूलेशन पे है, इम्प्लांटेशन पे है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे है, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट, बहुत अलग अलग तरह की टिप्स बताए हैं, क्योंकि सभी का शरीर अलग होता है, सभी के साथ अलग अलग लक्षण होते हैं, सभी को अलग अलग तरीके से कंसीव होता है, किसी पे कोई टिप्स काम करती है, किसी पे कोई टिप्स काम करती है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो जब आप उन सारे वीडियोस को देखेंगे, तब आपको आपकी बॉडी के लिए अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ, मुझे ऐसा होता है, इसके लिए मुझे ये तरीका अपनाना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई ट्रबल है कि आपको समझ नहीं आ रहा, करने में ठीक से नहीं बन रहा, या किसी भी तरह का इशू आ रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि कमेंट में, एक ही कमेंट में आपको मैं सब कुछ बता दूं। इतने सारे वीडियो बनाती हूं क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत तरह की हैं, उन सारी तरह की प्रॉब्लम को मैं कवर कर रही हूं वन बाय वन, और जल्दी ही आपके बहुत सारे रिक्वेस्टेड वीडियो हैं क्यू में, वो भी मैं लेके आने वाली हूं। थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा कोऑपरेट करें। अब बात करते हैं आज की हेल्थ टिप की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग आसन का फर्टिलिटी से बहुत पुराना नाता है। अगर आप अच्छे से योग आसन करते हैं तो आपको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होती हैं। तो आज मैं तीन विशेष आसनों की बात करूंगी। सबसे पहला कपालभाति, इमेंस बेनिफिट्स हैं फेलोपियन ट्यूब में, पीसीओडी में, जो भी लिथार्जी सिम्टम्स हैं, बॉडी में हार्मोन बन ही नहीं रहे, पीरियड ही नहीं आ रहा है टाइम से, बहुत टाइम से आ रहा है, एग रप्चर नहीं हो रहा है, वेट बहुत ज्यादा है, वेट के लिए तो खैर आपको प्रयास करना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा, लेकिन कपालभाति करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। तो सीक्वेंस है, इसका एक सीक्वेंस है, कैसे करना है। सबसे पहले कपालभाति करना है, फिर भस्त्रिका करना है, उसके बाद लास्ट में अपने आप को बैलेंस में लाना है, अनुलोम विलोम करना है। तो आप इन तीनों को, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं ना कमेंट में कि वॉक करें, क्या करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, ठीक है, वो भी अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन आसन आप करेंगे तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा आपके वॉक का, जॉगिंग का, आपके बॉडी पे जो इफेक्टिवनेस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा आएगा। तो ये तीन आसन आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें और इनको जरूर करें। रिपीट करूंगी, कपालभाति पहले, फिर भस्त्रिका, उसके बाद अनुलोम विलोम। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।